हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग ऑर्बिट। आज हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में, जिनका सीटेट क्लियर हो चुका है। वेल एंड गुड, और बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों का सीटेट क्लियर हो चुका है। अब हम उसी के रेफरेंस में कुछ बात करेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट, अब सीटेट क्लियर हो गया है तो आगे क्या करना है तो हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही हैं सीटेट क्लियर को लेकर, काफ़ी सारी वैकेंसीज भी निकल रही हैं। तो ऐसे ही कुछ आज हम कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि निकल गई हैं, उनके फॉर्म्स भी स्टार्ट हो गए फिल करने। तो सो जिसे पता है वो फॉर्म फिल कर दीजिए, जिसने नहीं किया है फॉर्म फिल कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा SSA के अंडर शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान, एंगेजमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर स्कूल टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए हैं अंडर SSA इन सर्वोदय स्कूल्स इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। ये सारी वैकेंसीज दिल्ली की हैं, ये दोनों के लिए निकली है, PRT एंड TGTs। पहले हम बात करेंगे PRT के नोटिस के बारे में, PRTs के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे TGTs के बारे में। PRTs के लिए निकली हैं 115 वैकेंसीज, जो कि हैं 21 है ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 26, नॉर्थ में है 8, नॉर्थ वेस्ट में है 2 वैकेंसीज, नॉर्थ वेस्ट बी में है 14 वैकेंसीज, वेस्ट ए में है 3, वेस्ट बी में है 12, साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट ए में है 2 एंड साउथ वेस्ट बी में है 3, साउथ में 17, सेंट्रल में है 7 एंड टोटल हैं हमारी 115 वैकेंसी। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। सेकंड पॉइंट है, टीचर्स आर प्रपोज टू बी एंगेज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टिल 31 मार्च। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही यहाँ पर हमारी वैकेंसीज निकली हैं, 31 मार्च तक हमें पता चल जाएगा। इसकी डेट है अभी 3 जैन से स्टार्ट हुई है, 15 जैन तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सो जल्दी से जल्दी भर लें, और 18 को इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें जो भी होगा जो नाम होंगे मेरिट के बेसिस पर, और उसके बाद हमारा जो भी होगा आगे लेटर वेटर आएगा, हमें पता चल जाएगा। थर्ड है, द कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ ₹35,420 पर मंथ विल बी पेड टू दीज टीचर्स। जो भी सिलेक्ट होगा कैंडिडेट उसे 35,420 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी होगी, नो एक्स्ट्रा अलाउंस विल बी एडमिसिबल। असेंशियल्स 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ इसमें इस पॉइंट में लिखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे हमारे जो PRT पोस्ट है उसके लिए। कैंडिडेट्स विद सीनियर सेकेंडरी 10+12 और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 10+2 मतलब 12th क्लियर होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, CBSE हो या कोई और। 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एलिमेंट्री और टीचर्स एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। डिप्लोमा हो सकता है, बीएड हो सकती है 2 years की। थर्ड है, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल मतलब 10th। 10th में हमारे पास बेसिकली हमारे पास हिंदी होनी ही चाहिए एज अ सब्जेक्ट, तभी हम लोग एलिजिबल हैं इसके लिए PRT पोस्ट के लिए। एज पर दिल्ली गैजेट डेटेड 7/10/2011 ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन दी CTET फॉर क्लास 1st to 5th कंडक्टेड बाय CBSE विल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1st to 5th इन द सर्वोदय स्कूल्स ऑफ दिल्ली अकॉर्डिंग टू गैजेट नोटिफिकेशन। यहाँ पे से CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे। CTET कॉन्स ऑफ पेपर फर्स्ट, जो कि है 1st to 5th क्लास के लिए सर्वोदय स्कूल्स में। नेक्स्ट है 6, द रूल्स एंड डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है उसकी हमें वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट है www.edudel.nic.in। आप लोग इसे वेबसाइट पर क्लिक करेंगे
ऊपर हमारे पास दोज हु फुलफिल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन रिक्रूटमेंट रूल्स शैल ओनली अप्लाई. ऊपर हमारे पास वहाँ पर RRS लिखा होगा, रिक्रूटमेंट रूल्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे हमारी ऊपर ही नोटिफिकेशन होगी, पहले प्राइमरी की होगी देन TGT की होगी. प्राइमरी पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म को फिल करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी, कोई भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई स्कैन कराएं डॉक्यूमेंट या कुछ भी, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है उसमें. एज, एज का क्राइटीरिया क्या है, एज ऑन 13/1/2019 फॉर्म में वो हमसे पूछेगा कि हमारी 13 जैन तक कितनी एज होगी. आर एलिजिबल फॉर 5 years इन केस ऑफ ST/ST कैंडिडेट्स एडमिसिबल. ST/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है. एज रिलैक्सेशन फॉर 3 years इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स एडमिसिबल. 3 years का OBC के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेबल है. और जो कैंडिडेट्स हैं डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, जनरल के लिए 10 years का, SC/ST के लिए 15 years का, एंड देन 13 years का OBC के लिए. फिजिकली हैंडीकैप्ड, PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड. आगे है द सर्टिफिकेट ऑफ OBC शुड बी इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली. जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनका GNCT ऑफ दिल्ली का सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC का. फॉर SC/ST कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. अगर कोई और अदर स्टेट का है, दिल्ली के अदर, दिल्ली से अदर स्टेट का है SC/ST कैंडिडेट, वो भी कंसिडरेबल होगा. द टीचर वुड बी एंगेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट एट द डिफरेंट लेवल. अब टीचर यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, मेरिट होगी, वो किस बेसिस पर होगी. सबसे पहला अकेडमिक परफॉर्मेंस पर, कि हमारे 10th में 12th में और जो 2 year डिप्लोमा है हमारा, एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन कोर्स, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग और BEd जो भी है इक्विवेलेंट, जो भी हमारा हो उसमें हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पर. 10th है रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज एप्लीकेबल अंडर रूल्स इन द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन. रिजर्वेशन वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि हमारे रूल्स के अंडर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के. मतलब SC को इतनी एज का हमारा रिलैक्सेशन है, OBC को इतना, वो सब. 11th है द टीचर्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैन बी डिप्लॉयड इन एनी स्कूल विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही शी अप्लाइज. जो भी टीचर हमारे, वो जो भी हमारे सिलेक्ट किए जाएंगे, जैसे हम लोगों को जिसे भी सिलेक्ट किया जाएगा, वो जो भी अपनी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उसने अप्लाई किया उसके किसी भी उसमें स्कूल में वो लोग सेंड कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं स्कूल में. कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली इन 1 district अदरवाइज हिज और एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड. ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से सुन लीजिए. जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं ही फॉर्म फिल करती हूँ, अगर मैंने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन डाली है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा तुरंत कोई भी पोस्ट. फिर आपको कोई भी फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. नेक्स्ट है विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन ऑन आर वेबसाइट. जो विलिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CTET क्लियर कर लिया है 10th में 12th में, जो क्लियर कर चुके हैं, जिसका 2 years का डिप्लोमा हो चुका है, वो www.edurel.nic.in पर जाएगा अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो चाहते हैं, एज ए चॉइस, जिनकी उनकी जो चॉइस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एनी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर चॉइस. द एप्लीकेंट शैल फिल अप हीज और हर नेम एज रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन. जो भी कैंडिडेट एप्लीकेंट हैं, हम लोग हैं, वो हम लोग अपना जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स में नेम है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सेम एज वैसे ही हमें डालना है. जैसे मदर्स नेम, अपना नाम, स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो हमें करेक्शन का मौका नहीं देंगे. हमारे जैसे CTET में था, करेक्शन के लिए हम लोगों को टाइम दिया था कि आप लोग इससे इतने डेट तक करेक्शन कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है. आपको वो फॉर्म भरना है और फिर वो सबमिट हो जाएगा, ना आपको करेक्शन का मौका मिलेगा ना कुछ. जोन भी आप एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया है तो फिर आपको दोबारा वो चूज़ करने का मौका नहीं देगा. आपने एक बार नॉर्थ डाल दिया, ईस्ट डाल दिया, देन आप आगे बढ़ गए फॉर्म में, देन आपको
वापस से चेंज करने का मौका नहीं देगा जोन वो, क्योंकि ये सब सुनना, ये सब पता होना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से फॉर्म भर सकें, कोई भी मिस्टेक ना करें, सब कुछ। ये पॉइंट हमारा हो गया था। एप्लीकेंट शैल फिल अप नेम, वो भी सब कुछ अच्छे से भरना है। नो चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर सबमिशन, ठीक है। द एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन टिल 13/1/2019। सिर्फ एप्लीकेशन जो भी है फॉर्म 13/1 मतलब 13 जनवरी 5 बजे तक सारे सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई भी नहीं होगा। और जो रिज़ल्ट है वो आएगा 18/1/2019 को, रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, मेरिट बेसिस पर लिस्ट आएगी। द मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ऑपरेशनल बाय 5, हमारे 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है 1 बजे से। नो करेक्शन अपडेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड। ये दोबारा नोट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि आप जो भी भरे, जो भी करें, जो भी इंफॉर्मेशन भरे, सब करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा वो हमें करेक्शन का रीसबमिशन का मौका नहीं देगा। सॉरी। सो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना कोई आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, ये फ्री है और आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है, बहुत आसानी से आप फिल कर सकते हैं। जैसे पीआरटी की निकली है ऐसे ही टीजीटी की कुछ पोस्ट निकली हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर हमारी जो पीआरटी की पोस्ट है वो कम है, या टीजीटी की पोस्ट है 521 है, अलग अलग जोन में है। जैसे ईस्ट में है इंग्लिश के लिए 11, मैथ्स की 2, हिंदी 3, संस्कृत 4, नेचुरल साइंस 9, सोशल साइंस 3, पंजाबी की नहीं है, उर्दू की भी नहीं है। ऐसी अपनी अपनी जोन में सब ये सब पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट बात थी हम लोग कर चुके हैं। पीआरटी में ऐसे ही सेम इसका है। सैलरी इसमें सैलरी है हमारी 38,100, उसमें 35,000 के अराउंड थी, ठीक है। और जो भी सेम है सब, तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको, ताकि जो भी आगे आने वाली इंफॉर्मेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज हैं, उन सबकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जाती रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड देन अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना, कौन सी वेबसाइट पर जाना, कहाँ क्या करना है। हाँ, तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, कोई भी आप ओपन कर सकते हैं, क्रोम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट डालनी है, क्या थी, www.edutel.nic.in। यहाँ पर हमें देखते हैं, यहाँ पर हमारी वेबसाइट खुल गई है। उस फॉर्म में लिखा था RRS रिक्रूटमेंट, सब आप यहाँ देख सकते हो ऊपर RRS रिक्रूटमेंट दिख रहा है सबको, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ऊपर ही हमें दो न्यू नोटिफिकेशंस दिख रही हैं, एंगेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स, TGTs ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर SSA इन स्कूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। सेकंड है एंगेजमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स, प्राइमरी हम लोग अभी प्राइमरी करते हैं, वैसे ही TGT का भी करना है, सो प्राइमरी पर हम लोग क्लिक कर चुके हैं। देन हमारा है यहाँ पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड पॉइंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड SSA इन सर्वोदय स्कूल्स। सो हमें एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वो थोड़ा टाइम लेगा फॉर्म खुलने में, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।
थोड़े ही देर में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसके बाद उसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन सब डाल दीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने मांगी होगी। अगर उस फॉर्म से रिलेटेड भी आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसके ऊपर बात कर लेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, फॉर्म ओपन होगा आप भर देंगे एंड देन आपका क्लोज, उसके बाद आप उसे प्रिंट निकाल सकते हैं अपने पास रखने के लिए। और 18 को फिर उसमें रिजल्ट आएगा हमारा लिस्ट। सो गाइज, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं हमें। टेक केयर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल। थैंक यू सो मच।